बजट में जीरो माइलस्टोन से बेगमपुर की तरफ जीआईसी के सामने तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण को लेकर व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बेगमपुर व्यापार संघ की लड़ाई को जहां संयुक्त व्यापार संघ ने पूरा समर्थन देते हुए अपने बैनर तले संघर्ष की बात कही है, तो आबूलेन व्यापार संघ ने भी पूर्ण समर्थन को कहा। इस मामले में बेगमपुर के दर्जनों व्यापारियों ने कमिश्नरी पर काले झंडे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि अगर यह फ्लाईओवर बना तो हम व्यापारियों का व्यापार घट जाएगा। देखिए कमिश्नर साहब के गेट बंद करने की हमें चिंता नहीं है, आपका पीछे वाला सवाल है, उसका हम जवाब देके वहाँ से चलेंगे। वो गेट बंद कर दें फिर ये हम आगे विचार कर लेंगे, बैठना हमें, हम अपनी बात कहने हैं, हमारी बात वो सुने, गेट के बाहर आके सुने। बेगम पुल पर अभी उन्होंने एक पुल बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया, उसके प्रोजेक्ट की जानकारी पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। 700 मीटर का वह पुल बना रहे हैं। बेगम पुल हमारी 60 फुट की रोड है, बेगम पुल से हापुड़ रोड की तरफ जब हम आते हैं आगे बड़ी रोड है। जीरो माइल से थोड़ा हम जब शहर की ओर चलते हैं हापुड़ रोड की तरफ, तो कॉल्टेक्स पेट्रोल पंप के पास से वो उसका एक पिलर ले रहे हैं, जिसको शायद पिलर A1 का उन्होंने या A2 का नाम दिया, और जहाँ ये उतरने वाला उसको शायद A1 और या A2 दोनों पिलर की ये स्थिति। इसके अलावा बीच में उन्होंने 13 पिलर दिए, बीच सड़क पर हमारे लाकर बेगम पुल पर वो, और ड्राइंग उन्होंने हमें 4 दिन पहले उपलब्ध कराई है। लोगों को हमसे सवाल होगा कि इतने दिनों से ये मामला चल रहा था तो आपने जब क्यों नहीं विरोध किया, जब आप हमें ड्राइंग दोगे जभी तो विरोध करेंगे, उसमें जो आने वाली कठिनाई है उसको समझने के बाद बात करेंगे, उसमें बहुत कठिनाई है। हम अगर हापुड़ रोड से चलते हैं, पहली कठिनाई हमारी ये है कि वो हमसे ये कहते हैं कि हम यहाँ पर जाम ख़त्म करना चाहते हैं, बेगमपुल चौराहे पर जाम, जाम के कारण पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, बेगमपुल चौराहे पर जाम लगा साहब, हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। पीएल शर्मा रोड वन वे है, पीएल शर्मा रोड से जब आबूलेन की ओर किसी आना होता है या उसको जाना होता है कचहरी के लिए जवाहर क्वार्टर्स की ओर, तो वो पीएल शर्मा रोड से निकलता है और रॉन्ग साइड जाकर जवाहर क्वार्टर्स की ओर मुड़ता है। किसी को आबूलेन से जाना है जवाहर क्वार्टर्स, वो जीरो माइल से घूम के वापस नहीं आता, वो सीधा आता है जहाँ सिपाही जो खड़ा रहता है ट्रैफिक को चलाने वाला ट्रैफिक सिपाही, उसकी नाक के नीचे से निकलता है और रॉन्ग साइड जाके जवाहर क्वार्टर्स की तरफ जाता है। तो जाम लगने के कारण ये हैं। फ्लाई ओवर का है ना, हम वो कहना फ्लाई ओवर का की जरूरत क्या है, 70 करोड़ रुपए आप लगाने जा रहे हैं, मेरठ में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, मेरठ में मेट्रो ट्रेन आनी है और बेगम पुल पर हमारी जानकारी के अनुसार उस मेट्रो रेल का स्टेशन बनना, जब बेगमपुल इतनी चौड़ी जगह नहीं है कि वहाँ स्टेशन बनने के लिए अभी हरी झंडी नहीं दे रहा मेट्रो प्रोजेक्ट, तो ये ओवरब्रिज बन जाएगा, फ्लाई ओवर बन जाएगा, तो हमारे हाथ से तो जो बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है मेरठ के करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को लाभ देने वाला है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। व्यापारी यही कहना चाहते हैं कि इस ओवर फ्लाई ओवर की मेरठ में भी आवश्यकता नहीं है, जिस जाम की आड़ में आप इसे बना रहे हैं, जाम की मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो इन्होंने इसको डिजाइन किया है, जब ये सोतीगंज पे जिस मोड़ पर इसे उतारने वाले हैं, 55 फुट इस पुल की चौड़ाई है फ्लाई ओवर की, और वहाँ मात्र आप फीता डालिए जाकर देखिए, सच्चाई के अनुरूप 54 फुट वहाँ पर चौड़ी जगह है, तो क्या फ्लाई ओवर जो 55 फुट पीछे से आएगा वहाँ आकर 1 फुट छोटा होगा क्या, तो और वहाँ लोग कैसे घुसेंगे, तो वहाँ जब वाहन उतरेंगे तो दाएं बाएं निकलने का रास्ता नहीं होगा, हर समय जाम लगा रहेगा। 3 दिन से आपका कमिश्नर से मिलने का कार्यक्रम तय था, सांसद को आना था, लेकिन क्या संयुक्त व्यापार संघ की या व्यापारिक संगठनों की धार इतनी कमजोर हो गई है कि कमिश्नर का गेट बंद कर दिया और कमिश्नर से मिलने के लिए तैयार नहीं है? अभी ऐसा नहीं है, कमिश्नर भी हम कमिश्नर साहब भी हमसे मिलेंगे, 3 बजने में अभी समय शेष है, हमारे व्यापार संघ के बाकी पदाधिकारी भी आ रहे हैं और कमिश्नर साहब तहसील दिवस से सीधा अपने घर गए थे और लंच करके यहाँ पर पहुँचने वाले, जो हमारे को जानकारी है वे आ जाएं तो अब ये गेट भी खुलेगा और हम अंदर भी जाएंगे।